हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको। इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 5%, बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%, एंड सी सेल्स इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 15%, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इफ ए परचेज द आर्टिकल फॉर ₹400। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को ए ने ₹400 में परचेस किया है, और जब उसने परचेस किया 400 में ए ने, तो उसने बी को वो आर्टिकल 5% लॉस में बेच दिया। बी ने फिर सी को 10% लॉस पे बेचा, और सी ने डी को 15% लॉस पे बेचा। तो फाइनली सी से डी ने परचेस किया, तो डी को कॉस्ट प्राइस क्या आएगा वो पता करना है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, डी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, ये इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिंपलेस्ट वे में, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इनटू 1 माइनस 5/100, 1 माइनस 10/100, और इनटू में 1 माइनस 15/100। तो देखिए सीपी ऑफ डी क्या हो गया, सीपी ऑफ ए क्या है 400, 1 माइनस 5/100 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट लॉस परसेंटेज है। तो हमारा जो भी परसेंटेज लॉस जो भी रहेगा माइनस में रहेगा। अगर ये सब प्रॉफिट पे बेचता, ए जो है बी को प्रॉफिट पे बेचता तो हमें प्लस कर देते हैं, बी है जो सी को प्रॉफिट पे बेचता तो प्लस कर देते हैं, सी अगर डी को प्रॉफिट पे बेचता तो हमें प्लस कर देते हैं। लॉस के चलते हम माइनस कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लॉस परसेंटेज है। तो फाइव, जो ए जो है बी को भेजा तो 5/100 की, डी सी को भेजा तो 10/100 की, सी डी को भेजा तो 15/100 की। तो जितना 3% लॉस है, लॉस का 3% है, तो 3 बार हम इस चीज़ को यहाँ पे इवेलुएट करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 5/100 ये आपका क्या आएगा, 100 माइनस 5/100 इंटू 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस 15/100 ये आपका आएगा 400 इंटू 95/100, 90/100 इंटू 85/100। इसको सॉल्व करेंगे जब 2020 जाएगा, 1010 जाएगा, और ये आएगा 95, 9, 85 इंटू 4, तो 95 इंटू 9, 4 जा 36 इंटू 85/1000। इसको हम लोग अब इवेलुएट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रफ में, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, रफ में कैलकुलेट करते हैं, तो 95, 85, 45, 47, 48, 9, 74, 76, 5, 7, 6, 4। अब इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36, 46, 48, 50, 54, 55, 60, 40, 50, 50, 24, 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
जीरो बाई 1000, यह पक्का आएगा रुपीज 290.70। तो क्या है आपका फाइनल आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ जो डी आएगा वो क्या आएगा 290
1.70 पैसे, ये आपका आंसर आएगा। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कॉस प्राइस ऑफ डी जो होगा ये आपका क्या आएगा, इस फॉर्मूले से निकाल के आप यहाँ पर इवेलुएट करके फाइनली से फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, 290.70। थैंक यू।